हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने बैंक निफ्टी में दोनों टारगेट अचीव कर लिए। हमारे जो टारगेट थे वो 34,150 और उसके बाद में 35,300 के, वो दोनों टारगेट अचीव करने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। इंट्राडे में जिन्होंने रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा उन्हें अच्छे खासे 600-700 पॉइंट का भी प्रॉफिट हुआ। और यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी 34,400 पे क्लोज हुई है फाइनली, लगभग 550 पॉइंट गेन के साथ 1.63% अप। तो यहाँ अभी नेक्स्ट क्या डायरेक्शन हो सकती है बैंक निफ्टी की। हमारे जो दोनों टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं, अभी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी रहेगी चलो देखते हैं, चार्ट का एनालिसिस करते हैं और चलो देखते हैं क्या ट्रेड रहेगा कल के लिए। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप भी देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है तो वो अभी टर्न अराउंड हो चुका है और यहाँ हम जो है तो लगभग गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ 15 पॉइंट का लॉस दिखा रहा है, मगर ये कैंडल ब्लू है क्योंकि इसका ओपन जो है तो नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो ये जो है तो इसने अभी जो जहाँ ओपन हुआ था बैंक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ ये एक पॉजिटिव बात है और ये सजेस्ट करता है कि बैंक निफ्टी जो है तो यहाँ रिकवरी शायद चालू रख सकता है इस वीक। तो ऊपर जो अभी लेवल दिखते हैं हमें वो 35,650 का, जो है लगभग 50 वीक का एवरेज, और उसके बाद में जो 36,800 का जो है 20 वीक का एवरेज। तो इन लेवल को टच करने के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। वो करने के बाद फिर नेक्स्ट जो डायरेक्शन लेना है वो बैंक निफ्टी लेगा। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने ओवरसोल्ड रीजन से अच्छा खासा सपोर्ट लेके S3 से वहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी और आज हमने हाई लगाया था लगभग 35,424 पे, और कल का जो क्लोज था वो था लगभग 33,888 पे। तो जो मैंने टारगेट दिए थे वो दोनों टारगेट अचीव करने के बाद हम जो है तो ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे बंद हुए हैं, मगर फिर भी कल के हिसाब से हम गेन के साथ ही बंद हुए हैं। जिन्होंने कल लॉन्ग किए होंगे उन्हें अभी भी उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट चालू है। तो यहाँ अभी जो है तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये शॉर्ट कवरिंग रैली ये कंटिन्यू होगी और ऊपर जो है तो हम जैसे ही ये लेवल पार करेंगे 35,150 का या फिर 200 पकड़ लीजिए वो पार करेंगे, उसके बाद में हमें फिर से जो है तो बैंक निफ्टी 36,150 और ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी जब तक बैंक निफ्टी जो है तो 34,200 के ऊपर है तब तक आप लॉन्ग करने का ही सोचिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये जो ट्रेड रहेगा ये कम से कम 3-4-5 दिन का व्यू लेकर आपको अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग बनाने की सलाह रहेगी। अगर बैंक निफ्टी 34,200 के नीचे क्लोज होता है तो फिर जो है तो हम फिर से नीचे के लेवल देख सकते हैं आने वाले समय में, मगर उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। और यहाँ से जो है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा लगती है, और जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग रैली है ये शायद आगे भी कंटिन्यू रहेगी थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन करने के बाद। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हम S3 से जो है तो ओवरसोल्ड रीजन से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की, हमने ऊपर जो है तो 20 का, 50 का और 100 का एवरेज जो है तो टेस्ट किया। 100 के एवरेज के अराउंड जो है तो रेजिस्टेंस आया और वहाँ से जो है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बैंक निफ्टी फिर से नीचे आया। तो कल के लिए जो मेरा ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी में, मेरा ट्रेड रहेगा हमें जो है तो 34,150 के अराउंड एक्यूमुलेट करना है हमें बैंक निफ्टी पे, उसके अराउंड या उसके नीचे। जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा वो स्टॉप लॉस रहेगा 33,600 का। यहाँ थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर रखना पड़ेगा। और यहाँ जो है तो हम लगभग 300-400 पॉइंट के बीच में जो है तो यहाँ एक्यूमुलेशन करने का सोचेंगे हम। अगर 3 लॉट से करते हैं तो हर 100-150 पॉइंट पे एक एक लॉट बाइक के लिए रखना है। आपको स्टॉप लॉस रखना है लगभग, जिन्हें डीपर स्टॉप लॉस रखना है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 33,500 का, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर जो टारगेट बनेगा मेरा टारगेट रहेगा अभी फाइनल इसके लिए, और ये जो टारगेट ये कल भी आ सकता है या फिर इसके लिए आने को एक दो दिन लग सकते हैं। तो 36,200 का टारगेट हम पकड़ के चलेंगे बैंक निफ्टी पे और यहाँ हम बाय ऑन डिप्स व्यू रखेंगे। जैसे ही ये 34,150 के अराउंड आता है तो वहाँ एक लॉट ऐड करेंगे, नीचे हर 150-200 पॉइंट पे एक लॉट ऐड करते जाएंगे, और जो फाइनल स्टॉप लॉस रखेंगे हम तीनों लॉट के लिए वो रखेंगे लगभग 33,500 के नीचे, और जो टारगेट बनेगा वो 36,200 का टारगेट जो है तो पकड़ के चलेंगे। उसको क्रॉस किया तो हम 37,500 का लेवल भी बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं।
तो यहाँ जो है तो मल्टीपल लेवल से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी बहुत सारे हैं। पहला तो रेजिस्टेंस ये है हमारा जो हमने टॉप बनाया है आज, ये मेजर एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ अच्छा खासा सप्लाई आ सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन होते हैं हम तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेंगी, और उस सिनेरियो में हमारे जो टारगेट बनेंगे शॉर्ट कवरिंग के वो सेम रहेंगे 36,200, और उसके बाद में जो है तो मल्टीपल टारगेट है 36,700, उसके बाद में 37,000 और 37,500 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मगर ये ऊपर के टारगेट आने के लिए अब हमें शायद अगले वीक का वेट करना पड़े। तो कल के लिए मेरा बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश है। मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा बाय ऑन डिप्स विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि विक्स जो है, अब विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, मगर यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ मार्केट जो है तो जो रिटेलर है या फिर वीक हैंड है उनको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहा है, और वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर को वाइप आउट कर चुका है। तो ये कंटिन्यू करेगा, और जैसे ये वीक हैंड वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट जो है तो एक फर्म डायरेक्शन लेगा ऊपर की या नीचे की तरफ। तो यहाँ देखते हैं, अभी फिलहाल तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है तो मुझे बुलिश लग रहा है, और यहाँ हम बाइंग के ही मौके ढूंढेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो मुझे लगता है आप जो है तो एट द मनी 34,000 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उस पर डिप्स पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर फ्यूचर 33,500 के नीचे स्लिप करता है उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लॉस लेकर आपको निकल जाना पड़ेगा। या फिर जो 36,000 का जो मंथली का कॉल ऑप्शन है, मंथली एक्सपायरी का मार्च का, उस पर फोकस करेंगे। सेम हमारा जो एंट्री, जैसे फ्यूचर का स्ट्रैटेजी है एंट्री करने का, वैसे ही उस ऑप्शन में भी हर 150-200 पॉइंट पे एक लॉट एवरेज करेंगे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, अगर फ्यूचर 33,500 के नीचे स्लिप करता है तो फ्यूचर में जो भी लॉस, ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाएंगे। अगर 36,200 आ जाता है तो मुझे लगता है उस ऑप्शन में हमें 60-70% गेंस देखने को मिल सकते हैं, और जो एट द मनी ऑप्शन है 34,000 का वो लगभग 2x होते हुए देख सकते हैं हम, अगर बैंक निफ्टी 36,000 पे जाता है। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा बड़ी रहेगी या रेंज बड़ी रहेगी वो ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम देख ही रहे कि हर दिन किस तरह से मार्केट दोनों तरफ मूव देता है। और यहाँ जो है तो स्मॉल ट्रेडर के लिए सलाह रहेगी कि वेट एंड वॉच कीजिए या फिर दूर रहे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको काम करने दीजिए। बाद में मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद आप फिर से जो है तो मार्केट में आ सकते हो। अगर आपका उतना रिस्क पोटेंशियल नहीं है तो फिलहाल मार्केट से दूर रहने से ही आपकी भलाई है उसमें। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आज जिन्होंने भी लॉन्ग किया होगा कल उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। आई होप सो कि आपने प्रॉफिट बुक किया होगा कुछ ना कुछ, जिनके पास है वो भी होल्ड कर सकते हैं। मगर आज आपको फिर से री एंट्री करने की मौका दिया मार्केट ने, जिन्होंने ऊपर की तरफ बुक किया है प्रॉफिट। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में विथ सपोर्ट फॉलोअप के साथ ट्रेड करना है तो उसके लिंक्स जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।